हम लोग ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, और उसी को नजर में रख के आज हम नया ट्राई कर रहे हैं, अनियन रिंग्स, और साथ में उसके बनाएंगे हम सैलेड। तो ये दोनों चीजें हम ट्राई करने लगे, देखते हैं कैसे बनते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। सबसे पहले प्याज लेना है, किसी भी साइज़ का ले सकते हो, मैंने बड़े साइज़ के लिए। इसको इसको अच्छे से ऐसे साफ करेंगे जैसे हम नॉर्मल प्याज को करते हैं, जस्ट लाइक दैट। इसको इस तरह से करके फिर इस तरह से हम स्लाइसेस कट करेंगे। स्लाइसेस ना ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो, नॉर्मल नॉर्मल हो, मतलब जिससे खाने में अच्छा भी लगे, मतलब अपनी पसंद है। कई जगह पे हमने देखा है कि बहुत थिक स्लाइसेस भी होती हैं और कई जगह थोड़ी कम होती हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली जैसे आपको अच्छा लगे आप देख सकते हो। तो देखो ऐसे करके रिंग्स बनानी है, इस तरह से रिंग्स बनेंगी। वैसे आपने फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल ये उधर खाए थे ना, हॉप्स एंड ग्रेन्स पंचकुला में, है ना? हाँ, मुझे तो बहुत बहुत बढ़िया है, लगते बहुत हैं। बढ़िया लगे। ये सोचा था कभी घर पे इसको ट्राई करेंगे, सो आज वो मौका है, हम इसको ट्राई कर रहे हैं। ये देखो इस तरह से ये तैयार कर लिए हमने। मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें वो कोल्ड वाटर में नहीं रखते, तो हम वही वाली रेसिपी प्याज आंखों में लग रहा है ना? लगे। हाँ, तो वो कहना चाह रहा था जगदेव कि उन्होंने रेसिपी जो देखी है उसमें कोल्ड वाटर नहीं डालते, वो उसमें डायरेक्टली बनाते हैं, तो वही यूज़ करके, मतलब वही रेसिपी हम यूज़ करेंगे आज। अभी इसमें ना ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर का यूज़ होता है, तो अभी हम उस चीज़ों को डालने लगे हैं। बाउल जो है हमने इस तरह का रख लिया है, इसी में सब मिक्स करेंगे। इस तरह से तीन हमने बाउल निकाल लिए क्योंकि हमें तीन चीज़ों का करना है, तो अभी दिखाते हैं क्या क्या है वो। अब ये इस तरह से हमने मैदा ले लिया है, उसमें डाला है, और दूसरे बाउल में भी हमने मैदा डाल दिया है इस तरह से। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बना रहे हो, तो हम तो थोड़े बना रहे हैं ना, इसलिए हमने थोड़ा यूज़ किया है। इसी तरह से हमारे पास ये ब्रेड क्रम्स थे, हमने वो भी ऐसे डाल लिए हैं। ब्रेड क्रम्स इसको क्रिस्पी बनाएंगे, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। हमने ये पहले बना के रखे हुए हैं, तो जैसे मैं बता रहा था आपको, मैदा एक बाउल में, दूसरे में ब्रेड क्रम्स और तीसरे बाउल में भी मैदा। एक वीडियो में देखा था उसमें जो है वो ब्रेड क्रम के अंदर थोड़ा सा ब्लैक सोल्ट और ब्लैक पेपर डालते हैं, आई थिंक सो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता होगा, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसमें हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर जो हमने इसे डाल लिया, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और साथ में हमने डाल दिया स्वाद अनुसार काला नमक, ब्लैक। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। 1 कप डाला था मैदा, और हाफ कप डालेंगे कॉर्नफ्लोर। मैदा और कॉर्नफ्लोर हमने एक में मिक्स कर लिए, और बाकी तो वही सब चीज़ें हैं, पर ब्लैक पेपर, अच्छा उसमें कॉर्नफ्लोर और मैदे में थोड़ी सी रेड चिली, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। पेस्ट की तरह बनाएंगे, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे, मतलब चटनी की तरह है ना? नहीं नहीं थोड़ा सा वाटर और ऐड किया है।
हम सबसे पहले जो है अनियन लेंगे। कैमरा यहाँ कीजिए, इसको हम की मदद से अच्छे से इसमें सूखा जो मैदा है उसमें इसको डिप करेंगे। फिर इसमें सेकंड स्टेप है, इसमें डालेंगे जो लिक्विड हमने बनाया था मैदा कॉर्नफ्लोर डाल के। इसमें से निकाल के अच्छे से इसको वो कर लेना है। फिर हम इसमें ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और इसके आसपास ऐसे लगा देंगे। अब आप देखो कि ये चीज़ बनानी कंपैरेटिवली कितनी इजी है, कोई भी बना सकता है। और यही हम बाहर खाते हैं तो कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं। चीज़ें जो देखिए घर पे बनानी चाहिए, और इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। घर पे देखो हमें पता है हम कैसे हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ है। बाहर हमें पता नहीं है वो कैसे हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और हेल्दी है हमारे लिए, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसलिए हम अब कोई भी चीज़ें सारी चीज़ें घर पर ट्राई करते हैं। इसको भी निकाल देंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। अभी बाकी सारा ही सेम प्रोसेस करेंगे। ये चॉपिंग बोर्ड पे रखे हुए, तेल जो है गरम हो गया है और ये हमने इसमें डाल दिए। ये ना थोड़ा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए थोड़े से क्रिस्पी ज़्यादा हो गए हैं, गोल्डन ज़्यादा हो गए, बट ये अब बन रहे हैं दोबारा से। कोई बात नहीं, जितने हो जाता है। पता क्या है, जो वीडियोस वगैरह आप देखते हो उसमें आपको रियलिटी नहीं प्रॉपर दिखाते, उसमें क्या है आपको सारा अच्छा अच्छा दिखाएंगे हमेशा, मगर हमारे वीडियोस में आपको हमेशा रियलिटी नज़र आएगी क्योंकि हम रियल लोग हैं। ये अब बनने लग गए हैं और गैस हमसे गलती से ऑफ होगी, तो ये अभी गोल्डन ब्राउन होने में थोड़ा ही टाइम रह गया है। तो ये बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी अनियन रिंग्स रेडी हो जाएंगे। अब ये मुझे मालूम नहीं कि ये जो वो होता है एयर फ्रायर उसमें बन जाते होंगे, बन जाते हैं। बाकी गर्मी देखो बहुत है, एसी रूम में चलाया हुआ है हमने, रूम जो है ना वो सामने है उसमें से चला हुआ है, वो दिख रहा है ना एसी, 1.5 टन का है। वैसे तो कूलिंग यहाँ तक आ जाती है पर इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो बात बन नहीं रही इस बार, पर इट्स ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बाकी जो पड़े थे ना वो दोबारा से डाल दिए। वेट कर लो, वेट कर लो, मैं आ गया आ गया। ये हमने धनिया कट कर लिया है क्योंकि मैं यहाँ था नहीं। धनिया कट करने के बाद में ना हम जो ये हमने बढ़िया से अनियन रिंग्स बनाए हैं ना इनके ऊपर रखेंगे गार्निश करने के लिए, कुछ इस तरह से। हम थोड़ी ना कैबेज को कट कर लेंगे क्योंकि अब हम ना मेयोनीज के साथ में सॉस टाइप बनाएंगे जो इसके साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो इस तरह से हम ये कट कर लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैबेज कट करना चाहते हो, स्मॉल पीसेस जैसे बड़े में, बाकी इस तरह से अच्छे लगते हैं। और थोड़े से ना हम अनियंस भी इसमें डाल लेंगे क्योंकि इससे थोड़ा टैंगी सा, थोड़ा स्वीट एंड सार टाइप का टेस्ट आ जाता है। ये इस तरह से हम इसको भी चॉप कर लेंगे, अनियन थोड़े से वो भी छोटे क्योंकि वो पहले से काटे हुए हैं ना। साथ में हम थोड़ी सी कैरेट भी डाल देंगे, पहले इसके जो ऊपर के हेयर होते हैं, रेशे होते हैं, उस सबको रिमूव कर लेंगे। वैसे आप पीलर से भी कर सकते हो मगर अभी हमने
इसमें यही इस्तेमाल किया है नाइफ को, अच्छे से इसको रिमूव कर देंगे। इसके ऊपर हमने सॉसेस डाली है, मेयोनीज डाल दी है, ये मेयोनीज के बिना तो कुछ नहीं बनता। इसके अलावा डल रही है जेस्टी सॉस, जेस्टी ड्रेसिंग बोलते हैं वैसे इसको, तो वो भी डल रही है, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। वैसे हम इसमें बारबेक्यू सॉस ट्राई कर सकते हैं क्या? नहीं, वो मिर्ची हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है कि टैंगी सा टेस्ट हो जाएगा, मीठी हो जाएगी। ओके, अगर आप चाहते हो तो हम ट्राई कर सकते। नहीं, कोई बात नहीं। अभी ना हम इस सबको इसमें गार्निश करेंगे, वो उसका प्रोसेस भी दिखाते हैं आपको। Very crispy, very nice. तो इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ें बनाई और खूब इन्जॉय किया। फर्स्ट ट्राई था, उतना अच्छा नहीं बना, बट फिर भी काफ़ी अच्छा बना फर्स्ट ट्राई के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह के नए वीडियोस और नई डिशेज हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको अपने जर्नी में अपने साथ हम रखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए बाय बाय।